का मौसम का नज़ारा देख सकते हो आप, बदली छाई हुई है, बादल देख सकते हो, धूप वगैरह नहीं खिला है। और कारण ये है कि जो साइक्लोन दाना का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और आप यहाँ पर देख सकते हो ये खेत में कुछ कुछ जगहों पर धान जो है वो गिरा हुआ है। देख सकते हो बहुत फल रहा है अभी, जैसे इतने मोटे मोटे बहुत यहाँ पर ग्वार फली, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हुआ है इसका। यहाँ पर हमने मटर के बीज लगा दिए हैं, यहाँ पर गोभी के बीज से पौधे तैयार हो रहे हैं, फिर उनको वहाँ पर तो अंकुरित किए हैं, और चने तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरह से ये अंकुरित हुए हैं, बड़े लंबे लंबे इसके स्प्राउट निकले हैं। ये बहुत ही पौष्टिक होता है, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी मैं डेली रूटीन में फॉलो कर रहा हूँ कि अंकुरित चने और मूंग लेना स्टार्ट कर दूं। देखो ये सभी है माइट्स का प्रकोप, मकड़ी ने ये सब धान को बर्बाद कर दिया है, ये भी देख सकते हो ये सब माइट्स का प्रकोप है, मकड़ी का। खेतों को देखने के बाद रोना आ जाता है दोस्तों, इस तरह से हाल कर दिया है मकड़ी ने। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो आप, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज का सुबह का मौसम का नज़ारा देख सकते हो आप, बदली छाई हुई है, बादल देख सकते हो, धूप वगैरह नहीं खिला है। और कारण ये है कि जो साइक्लोन दाना का असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फिलहाल इसका असर और इसका जो नुकसान होने वाला था वो टल गया है। साइक्लोन दाना का हमारे छत्तीसगढ़ में उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ है, हमारे एरिए में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हुई है, और कुछ हवाएं हल्की सी तेज़ चली, बहुत ज़्यादा नहीं चली हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो ये खेत में कुछ कुछ जगहों पर धान जो है वो गिरा हुआ है, और बाकी ये जो छोटी किस्म की धान है वो पूरी तरह से लगभग पक गया है, इसलिए ये गिर गया है। और आगे आप देख सकते हो हरा भरा खेत दिखाई दे रहा है, तो ज़्यादातर फसलों को नुकसान नहीं हुआ है, तो अच्छी बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, उसका असर भी उतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा उसका तेज़ हवा चला था, बाकी पानी वगैरह भी ठीक से यहाँ पर नहीं गिरा, बारिश नहीं हुआ, और उस बारिश की ज़रूरत भी नहीं है किसानों को, क्योंकि छोटे फसल जो है, छोटे किस्म के धान वो पककर तैयार हैं कटाई के लिए, और जो बड़ी किस्म के हमने लगाई हैं वो हफ्ता 10 दिन में भी वो भी तैयार हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हो, और कुछ देर के बाद मैं खेत में जाऊँगा और वहाँ का भी नज़ारा आपको दिखलाऊँगा। वहाँ पर माइट्स जो है, मकड़ी का बहुत ज़्यादा आतंक हुआ है इस साल हमारे छत्तीसगढ़ में, तो उससे बहुत ज़्यादा फसल का जो प्रोडक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो दोस्तों देख सकते हो ये हमारे बाड़ी का नज़ारा है, यहाँ पर अभी कुछ सब्जियाँ लगाने की तैयारियाँ हम कर रहे हैं, और यहाँ को हमने सफाई कर दिया है, क्योंकि अभी धान वगैरह आएगा तो यहाँ पर रखेंगे, धान वगैरह कटाई करके लाएंगे तो यहाँ पर रखेंगे। और अभी हमारे बाड़ी में है यहाँ पर ग्वार फली, देख सकते हो बहुत फल रहा है अभी, देख सकते इतने मोटे मोटे बहुत यहाँ पर ग्वार फली, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन हुआ है इसका। थोड़ा सा बीज मैं लेकर आया था मार्केट से, केवल 10 रुपये का बीज था, और देख सकते हो आप इतने में हमने उसको उगाया हुआ है, और इसको ग्वार फली को खा खा के हम लोग थक चुके हैं, इतना मतलब ये फल रहा, देख सकते हो अभी भी इसको देख सकते हो, छोटा छोटा इसमें फलियां निकल रहा है, और यहाँ पर बड़े बड़े फलियां मतलब खा नहीं पा रहे हम लोग, इतना इसमें फल लग रहा है, देख सकते हो आप ये बड़े मोटे मोटे हो चुके हैं। अब उनको बीज के लिए रख देंगे, और इसमें जो भी कोमल कोमल फलियां हैं उनको सब्जी बनाएंगे, देख सकते हो आप, तो बहुत ही स्वादिष्ट मज़ा आता है दोस्तों इसका स्वाद। आप ताज़ा ताज़ा घर की जो सब्जियां हैं उनको सब्जी बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिलहाल
यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमने मटर के बीज लगा दिए हैं। यहाँ पर मटर अभी निकलना स्टार्ट हो गए हैं, तो सर्दियों में बहुत मज़ा आता है मटर की सब्जी। और यहाँ पर थोड़ी जगह में हमने प्याज की बीज छिड़क दिए हैं, तो वो प्याज निकलना स्टार्ट हो गए, बड़े होंगे फिर उधर लगाएंगे। और यहाँ पर हमने गोभी के बीज लगाए हुए हैं, देख सकते हो आप, गोभी के बीज से पौधे तैयार हो रहे हैं, फिर उनको वहाँ पर ट्रांसप्लांट कर देंगे। और यहाँ पर है लाल भाजी, बस इतना ही यहाँ पर सब्जी है अभी। और जब धान कटाई पूरी तरह से हो जाएगा और यहाँ पर हम धान को रख लेंगे, क्योंकि अभी रखना पड़ेगा धान को यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ नहीं लगाया है। यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह आएगा धान में, यहाँ पे सुखाना पड़ता है, सफाई करना पड़ता है धान को, तो उसके बाद हम यहाँ भी सब्जियाँ लगाएंगे। और यहाँ पर है हमारा हल्दी का पौधा, तो बहुत ही अच्छा हल्दी यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसका पौधे के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, अभी सुबह का मैं नाश्ता करने वाला हूँ, और मेरे नाश्ते में अभी थोड़ा कुछ चेंज किया है मैंने। कुछ दिनों से मैंने अपने नाश्ते में स्प्राउट्स लेना शुरू कर दिया, अंकुरित अनाज, जिसमें अंकुरित मूंग और चने हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है स्प्राउट्स, अंकुरित दाल, जिसमें हम यहाँ पर लिए हैं मूंग, मूंग को अंकुरित किए हैं, और चने। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरह से ये अंकुरित हुए हैं, बड़े लंबे लंबे इसके स्प्राउट निकले हैं। तो ये देख सकते हो आप, और ये है मूंग, मूंग में भी अच्छे से अंकुरित हुए हैं। तो मूंग में बहुत तेजी से अंकुरण हो जाता है और चने में थोड़ा लेट होता है। और कुछ दिनों से मैंने अंकुरित जो चने और मूंग लेना स्टार्ट किया है, और इसके बारे में काफ़ी सुना है कि ये बहुत ही पौष्टिक होता है, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अभी मैं डेली रूटीन में फॉलो कर रहा हूँ कि अंकुरित चने और मूंग लेना स्टार्ट कर दूं। तो अभी फिलहाल ये इतना अंकुरित मूंग और चना लेता हूँ सुबह सुबह, और उसके बाद जो भी अपना नाश्ता है, रोटी वगैरह, चीला वगैरह, उसको हम लेते हैं। तो इसको कैसे अंकुरित करते हैं, अगर आप जानना चाहते हो सरल तरीके से, तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कभी, अगर आप जानना चाहते हो। तो बहुत ही इजी से तरीके से ये अंकुरित हो जाता है, लेकिन जब तक इसका आपको सही तरीका मालूम नहीं है, तो अच्छे तरीके से आप इसको अंकुरित करने में कामयाब नहीं हो सकते हो। मैंने भी काफ़ी ट्राई किया अंकुरित करने के लिए, बहुत से तरीके अपनाए, लेकिन ठीक तरह से अंकुरण नहीं हो पाता था। अब मुझे इसका सीक्रेट पता चल गया है कैसे अंकुरण करना है, और इसी वजह से अब मैं लगभग डेली अच्छे अंकुरण कर लेता हूँ इस तरह से, और इनको खाने में इस्तेमाल करता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं थोड़े मूंग और चने खा लेता हूँ, उसके बाद नाश्ता करूँगा और फिर खेत को देखने जाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइट्स का प्रकोप हो गया है, और खेत का क्या हालचाल है वो भी आपको दिखलाऊँगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको मैं नाश्ता करने के बाद। नाश्ता कर चुके हैं और अभी मैं आया हूँ खेत देखने। तो देख सकते हो खेतों का नज़ारा आप, अभी ये स्वर्णा धान है, अभी पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, और इसमें माइट का बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ था। और यहाँ पर देख सकते हो नहर का पानी सूख गया है, ये देखिए, ये नहर है, हमारे गांव से ये नहर जाता है, लेकिन ज़्यादातर हमारे गांव के खेत इस तरफ ऊपर में है, तो इस नहर का हमें कोई फ़ायदा मिलता नहीं है। और ये इसका पानी अभी सूखने लगा है, देख सकते हो। और अभी मैं आपको दिखलाता हूँ, ये है हमारा खेत, और इसमें माइट का बहुत ज़्यादा प्रकोप हुआ था, देख सकते हो, ये पूरा का पूरा खड़ा धान
को माइट ने खा दिया है। ये कोई तना छेदक नहीं है, इसमें एक भी दाना पका हुआ नहीं है, सभी दाने खोखले हो चुके हैं। ये देखिए माइट्स, जो मकड़ी होता है, उसने सबको इसको इसका रस खा दिया है, इसका रस चूसता है, तो ये दाने बनते नहीं है, बदरा हो जाते हैं। और ये देखिए बहुत ज़्यादा माइट का प्रकोप हुआ है, और देख सकते हो ये सभी माइट का है, मकड़ी का। अगर कहीं पे लगा होगा तो वो आंखों से दिखाई नहीं देता, इतना छोटा बारीक वो होता है, और लेकिन उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, बहुत भारी नुकसान करता है। तो फिलहाल इस साल तो बहुत ही ज़्यादा माइट का प्रकोप है, मकड़ी का बहुत ज़्यादा आतंक है हमारे छत्तीसगढ़ में, लगभग सभी खेतों में, और हमारे खासकर हमारे खेतों में बहुत ही ज़्यादा उसका प्रकोप हुआ है। उसका स्प्रे भी कर दिया है, लेकिन जितना उसने नुकसान करना था वो करके निकल गया है। इधर देखिए, ये तो खैर तना छेदक है, इसको खींचने पर ये पूरा का पूरा धान ऊपर बाली निकल आ जा रहा है, ये तना छेदक का प्रकोप है। लेकिन माइट का आपको मैंने दिखलाया था, ये देखिए ये दाने, बहुत ज्यादा दाने खराब हुए, और साथ में देखिए यहाँ पर इनमें भी ये रोग है, पत्तियों में धब्बे हैं, तो ये भी रोग था। इनका तो स्प्रे कर दिया था हमने, इनका बीमारी और आगे नहीं बढ़ा था, लेकिन ये माइट की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है हमको। सभी है माइट्स का प्रकोप, मकड़ी ने ये सब धान को बर्बाद कर दिया है, ये भी देख सकते हो, ये सब माइट्स का प्रकोप है, मकड़ी का। यहाँ पर किया हुआ नुकसान है, खेतों को देखने के बाद रोना आ जाता है दोस्तों, इस तरह से हाल कर दिया है मकड़ी ने। खेती बहुत ही ज्यादा रिस्की काम है दोस्तों, जो भी खेती किसानी का काम करते हैं उनको पता ही होगा, बहुत ही ज्यादा रिस्क है। पूरे साल भर मतलब उसका देखभाल करना पड़ता है, वैसे तो साल भर की फसल नहीं है धान, लेकिन साल भर तक हमें मेहनत करना पड़ता है, खेत का जुताई करना पड़ता है, वो सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और जब फसल तैयार होता है तो देखिए उसमें बहुत ज्यादा रोग का प्रकोप हो जाता है, और बहुत ज्यादा हमने दवाई का स्प्रे भी किया है, बहुत सारे रोग लगे हुए थे, भूरा माहो वगैरह। और अभी देखिए अभी धान खड़ी हुए है, लेकिन भूरा माहो का प्रकोप इतना खतरनाक होता है कि खड़े धान में भी अगर दाना भी बन गया हो तो भी उसको वो चूस के पूरा उसके दाने को हल्का कर देता है, तो भूरा माहो का भी प्रकोप बहुत ही खतरनाक होता है। और अभी देखिए अभी जितना माइट्स ने नुकसान कर दिया, भूरा माहो जितना भी नुकसान कर दिया, लेकिन अभी अगर कोई बारिश हो जाए, तेज आंधी तूफान जैसा हवा तेज आए और बारिश हो जाए तो फसल गिर जाता है, फसल गिरने के कारण नीचे जब गिरता है तो उसके जो दाने होते हैं वो ओस के साथ भीग के खराब हो जाते हैं, और नीचे पानी रहता है तो और ज्यादा खराब होता है। फिलहाल अभी पानी नहीं है, लेकिन नीचे की जो मिट्टी है वो काफी गीला होता है, जिस वजह से धान खराब हो जाते हैं। तो खेती किसानी में दोस्तों जब तक आप उसको काट करके, फसल को काट कर अपने घर नहीं ले जाते, तब तक पता नहीं कि कितना धान होगा, ये सभी प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। तो प्रकृति के ऊपर हमें बहुत ज्यादा निर्भर करना पड़ता है, जितने भी किसान भाई लोग हैं वो सबको अच्छे तरीके से मालूम है। तो फिलहाल अभी बारिश वगैरह ना हो, और दाना जो साइक्लोन था उसका असर तो थोड़ा थोड़ा हुआ है, देख सकते हो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा गिरा हुआ है, और किसी किसी खेत में ज्यादा भी गिरा हुआ है। तो फिलहाल तो अभी ठीक ठाक नजर आ रहा है, जितना भी नुकसान हुआ सो हो गया,
अब देखते हैं फसल को काट कर जब हम ले जाते हैं तब कितना हमें फायदा होता है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए यहाँ का जो धान है वो कुछ ज्यादा ही पैरा की तरह दिख रहा है, देख सकते हो ज्यादा पीला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो भूरा माहो का अटैक हुआ है और यहाँ से फसल को खराब किया है। देखिए यहाँ पर थोड़ा अच्छा दिख रहा है, वहाँ कुछ ज्यादा ही मतलब उसका प्रकोप हो गया है। तो ये है हमारा खेती दोस्तों, छत्तीसगढ़ में इस तरह का माहौल है हमारे धान का। देख सकते हैं कुछ कुछ दाने बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर देखिए इनमें फंगस वगैरह का अटैक हुआ है, जो माइट की वजह से स्प्रे करने के बाद भी कुछ ना कुछ उसमें नुकसान हो जाता है। तो फिलहाल अभी खेत वगैरह देख लिया, अब घर की ओर चलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।